गुड इवनिंग एवरीवन। सो आप जा रहे हो बाली, मैं हूँ अभी बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और आप देख ही सकते हो आज थोड़ा खाली खाली सा एयरपोर्ट है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मालिंदो एयर से। सो मालिंदो एयर एक रिनाउंस्ड एयरलाइंस है जो कि मलेशिया कुआलालंपुर होके आपको बाली लेके जाएगा। तो मैंने सुना है काफ़ी अच्छे एयरलाइंस है कंपेयर टू एयर एशिया। देखते हैं कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस। मैं एक चीज़ बोलना ही भूल गया हूँ कि अभी मैं जा रहा हूँ बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो काफ़ी खूबसूरत से एयरपोर्ट है, प्रोफेशनल है। आप यहाँ पे आ सकते हो, खाना पीना खा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे और काफ़ी शानदार है। और जो स्टाफ्स होते हैं बहुत ही हेल्पफुल स्टाफ्स होते हैं। हम एक्चुअली बाली जा रहे हैं फेब्रुअरी में। तो फेब्रुअरी एक्चुअली बाली का जो होता है रेनी सीज़न होता है। तो बेस्ट जो सीज़न एक्चुअली जो ड्राई सीज़न होता है तो आफ्टर मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तब थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा रहता है। तो हमने ये चूज़ किया है कि फेब्रुअरी में जाया जाए। या थोड़ा सा बारिश हो सकता है इधर उधर, बट आई होप कि जो दिन का टाइम होता है जो जहाँ पर एक्चुअली जो एक्टिविटीज़ है आप वो करते हो तो उस टाइम पर बारिश ना हो। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। और काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ इधर मास्क पहने हुए घूम रहे हैं। हाँ, जो मैं कह रहा था, तो पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड में ही कोरोना वायरस का भी खौफ चल रहा है, तो इंडिया भी कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये जस्ट अब रीच्ड कुआलालंपुर। अभी सुबह के इधर के बज रहे हैं, ये सुबह के बज रहे हैं 6 और कुआलालंपुर में हम पहुंच गए हैं। फ्लाइट जो था काफ़ी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं रहा। अभी सुबह के बज रहे हैं आई गेस 9:25 और हम लोग आए हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो आपको मैं दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या क्या लिया है।
तो मैं जो बोल रहा था कि कुआलालंपुर एक बहुत ही बढ़िया एयरपोर्ट है, और इस एयरपोर्ट के अंदर ही एक छोटा सा रेन फॉरेस्ट है, तो ये लोग बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, इसको बोलते हैं जंगल बोर्डो। सो आप अगर आ सकते हो वहाँ पे तो एक पूरा राउंड मारिए, तो सुबह सुबह आपको एकदम हरी भरी रेन फॉरेस्ट देखने मिल जाएगा राइट इन द एयरपोर्ट, ये सबसे बड़ा बात है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। कुआलालंपुर एयरपोर्ट में अगर आए हो आप या फिर मलेशिया में आए हो, तो यहाँ पे जो करेंसी चलता है वो है रिंगिट। तो एक रिंगिट आज के दिन में करीब करीब 17-18 रुपए के आसपास है, तो उसके हिसाब से आपको पैसा पे करना पड़ेगा। हाँ, आप डॉलर में भी पे कर सकते हो, बट जो आपको चेंज दिया जाएगा, जो रिटर्न दिया जाएगा, वो रिंगिट में ही होगा, तो ये ध्यान रखना और उसके हिसाब से यहाँ पर खर्चा करना। और जो एवरेज रेट है कॉफ़ी वगैरह का, अगर आप एक्सप्रेसो लेते हो या फिर आप कैपेचिनो लेते हो, तो उसका करीब करीब 12 से 13 रिंगेट है। अगर आप चिकन सैलड लेते हो, करीब करीब 20 रिंगेट है। चिकन सैंडविच या फिर टूना सलमन सैंडविच लेते हो, तो उसका करीब करीब आपको 18-19 से 25 रिंगेट है प्राइस। तो हमने अभी ब्रेकफास्ट लिया है, तो टोटल करीब करीब $20 का बिल हुआ है। और इसके बाद देखना है, अगर लंच करते हैं तो आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या है लंच में और क्या क्या वैरायटीज़ आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो मेरा तो इच्छा है कि मैं कुछ मलेशियन ऑथेंटिक कुछ खाऊं लंच में, तो देखते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि मालिंदो एयर से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि आप अगर देखोगे कि जो भी मल्टीनेशनल कैरियर्स होते हैं, जैसे कि एतिहाद हो गया, इमिरेट्स हो गया, तो वो लोग टिकट के साथ आपका खाना इंक्लूड रहता है। अब अगर आप कभी भी इमिरेट से सफ़र किए होंगे, तो आप देखोगे कि जब भी आप नाइट में जाते हैं तो वेलकम एक स्नैक्स मिलता है, उसके बाद आपको मिलता है लंच और डिनर बेस्ड अपॉन दैट द टाइम ऑफ योर जर्नी। यू कैन गेट ड्रिंक्स एज वेल, बोथ अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। बट अब मालिंदो एयर को देखोगे तो देर इज़ नो वेलकम ड्रिंक्स, देर इज़ नो वेलकम स्नैक्स, नो मील इंक्लूडेड। बट व्हेन आई बुक द टिकट, देर वॉज मीन्स इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट द मील विल बी प्रोवाइडेड, बट राइट नाउ आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग लाइक दैट। और हम जब टिकट काउंटर में भी गए तो वो लोग बताया कि थोड़ी दिन पहले हम लोग देते थे, बट रिसेंटली हम लोग बंद कर दिए हैं। बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सच थिंग फ्रॉम ए यू नो मल्टी नेशनल कैरियर्स लाइक मालिंदो एयर। तो देखते हैं, अभी हम लोग कुआलालंपुर एयरपोर्ट में बैंगलोर से आए, अभी यहाँ से 10% जाना है, क्योंकि है बाली। तो मैं आपको उसका भी अपडेट दूंगा कि बाली में मतलब 10% कुआलालंपुर से 10% तक का सफ़र मालिंदो एयर में कैसा रहा।
मालिन दुयर का एंटरटेनमेंट सिस्टम काफ़ी लाजवाब है, जहाँ पर आपको नया हॉलीवुड मूवीज़ और बॉलीवुड मूवीज़ मिल जाएंगे। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू ब्रिंग योर ओन हेडसेट। हम जब बाली पे लैंड किए थे तो कोरोना वायरस का खौफ चल रहा था, सो दे हैव गिवन अस अ फॉर्म टू फिल अप, दैट इज समथिंग ए हेल्थ फॉर्म। तो आपको कभी भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो आपका डेटा उसमें है, आप जाके कोई भी हॉस्पिटल में जा सकते हो और उस कार्ड को आप दिखा सकते हो। सिम कार्ड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एयरपोर्ट में ही सिम कार्ड मिल जाएंगे। तो ये था हमारा बाली का पहला पार्ट, बीइंग विद अस फॉर द नेक्स्ट पार्ट्स।